हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है परवज और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक हंट वाटी पर। फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि MIUI 12.5.2 का जो अपडेट है वो ऑफिशियली स्टेबल ग्लोबली वर्जन सबको मिल चुका है। फ्रेंड्स, आप भी अपने फ़ोन के अबाउट सेटिंग में जाके यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपको ये अपडेट मिला है कि नहीं। मुझे तो ये अपडेट मिल चुका है। एक बार आप भी अपने फ़ोन में जाके अबाउट फ़ोन में जाके देख सकते हैं ये जो अपडेट है। तो फ्रेंड्स, ये जो अपडेट है MIUI 12.5.2, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और जो बग्स है वो फिक्स हो जाएंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो इससे पिछले वाले जो अपडेट थी 12.5.1, उसमें जो पबजी गेमिंग, चाहे उसमें गेमिंग की परफॉर्मेंस हो या फिर कैमरा क्वालिटी की हो या फिर फ़ोन की स्टेबिलिटी की हो, सब बहुत ही ख़राब था। और उसके साथ साथ जो हमारे चार्जिंग परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा घटे थे और हमारी जो बैटरी परफॉर्मेंस हो तो और भी ज़्यादा घटिया। हमारी बैटरी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन होती थी। अब देखना यह है कि ये जो स्टेबल अपडेट है MIUI 12.5.2 का जो अपडेट है स्टेबल 711 MB का, इस अपडेट से इस फ़ोन में जो बग्स थे वो फिक्स हुए हैं या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि MIUI के अपडेट्स में कुछ न कुछ बग्स हमें मिलते ही है, बाय डिफ़ॉल्ट वो मिलता ही है। तो इस अपडेट को आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। हो सकता है कि आपको ये अपडेट आज अगर नहीं मिला हो तो एक दो दिन में आपको भी ये अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स है। तो सिंपली फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा रहा है कि ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस और इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। अब ऐसा तो कहा जा रहा है, लेकिन वो हम सभी को पता है कि स्टेबिलिटी कितनी होती है अपडेट के बाद। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि पिकशॉट कभी भी अगर पहले हम ओपन करते थे तो पता नहीं आपके फ़ोन में नहीं, लेकिन मेरे फ़ोन में ये हमेशा लैग हो जाता था और ये ऐप ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड से रिमूव हो जाता था, मतलब बैकग्राउंड से ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता था, शट डाउन हो जाता था। कुछ इस तरह आप देख सकते हैं कि सिंपली मैं पिकशॉट खोलता हूँ और जब मैं इसमें कुछ भी अपडेट करने के लिए या फिर कुछ भी अपने फ़ोटोज़ को एडिट करने के लिए फिर थंबनेल बनाने के लिए इसको यूज़ करता था तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाता था। कुछ इस तरह आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी देर तक कुछ इस तरह करते थे इसको यूज़, और ये देखिए ये ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो गया। तो इसी तरह ये पिकशॉट के साथ नहीं और भी ढेर सारे ऐप्स के साथ होता था कि वो जो ऐप होती थी जिस भी ऐप में हम काम कर रहे थे वो बैकग्राउंड में रुकता ही नहीं था, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड क्लोज़ हो जाता था। तो इसी प्रॉब्लम को देखना ये है कि इस अपडेट के बाद इसको इन्हेंस किया गया है या फिर या नहीं। तो फ्रेंड्स, एक बार आप भी इस अपडेट को अच्छे से देख लीजिए, इसके रिव्यूज़ देख लीजिए यूट्यूब पर, उसके बाद ही आप अपने फ़ोन को अपडेट करना, उससे पहले आप अपने फ़ोन को अपडेट मत करना। तो फ्रेंड्स, एक बार आप भी इस अपडेट का अच्छे खासा रिव्यूज़ देख लेना, उसके बाद आप अपने फ़ोन को अपडेट करना, वरना हम सभी जानते हैं कि MIUI के हर अपडेट में कितने सारे बग्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। और हाँ फ्रेंड्स, मैं अपडेट करके इस अपडेट का जो रिव्यू आपको ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगा। तो मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।